देखो मैं ना शॉर्ट्स पहन के जा रहा हूँ ताकि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज हम जा रहे हैं ऋषिकेश और भाई 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैप में। हाँ ड्यूक। तो गाइस अभी 2:10 हो रखी है, आधे रास्ते तो पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता बाकी है। ड्यूक को ना घूमने में बहुत ज्यादा मजा आ, आराम से बैठा है। सो गाइस हम जा रहे थे ऋषिकेश और भाई हमारे साथ पूरा पोपट हो चुका है, गाड़ी पूरी खराब हो गई है, गियर लग रहे हैं, चल ही नहीं रही गाड़ी। तो भाई मैंने ना अभी मैकेनिक का नंबर निकाला, कॉल किया, साफ मना कर दिया, कह रहा सुबह ही मिलेगा जो मिलेगा। गाइस आधी रात के बीच फंस गया मैं यहाँ पे। ड्यूक पोपट हो गया भाई हमारे साथ। गाइस हम ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर निकले थे और आज हमारे साथ भाई पोपट हो गया पूरा। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूक। तो गाइस हम ना 5 बजे उठे हैं, उठते ही मिस्त्री से कांटेक्ट किया और गाइस गाड़ी को टोचन करके वर्कशॉप पे लेके जा रहे हैं। अभी तो सुबह उठ के ना मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। देखो भाई सुबह सुबह कैसा मौसम हो रखा है, ये देखो ड्यूक मस्त हवा खा रहा है। ड्यूक भागने की लगी है भाई, भैंस कुत्ता कुछ भी दिख रहा है ना, गाड़ी के शीशे तोड़ने को हो रहा है, छुप के पीछे भागे जा रहा है भाई। ओए आराम से पकड़ ले, मोहम्मद बांध। तो गाइस रात को हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, एक जगह खड़ी हो गई थी। 2:30 से लेके 6 बजे तक का सुबह हमने वेट किया, खाली रोड पे गाड़ी में सोए। अभी गाइस गाड़ी ठीक हो रही है। तो गाइस 11 बजने वाले हैं, गाड़ी तो भाई पूरी ठीक हो चुकी है, अभी ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं 11 बजे, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और गाइस अगर गाड़ी खराब नहीं हुई होती ना तो सुबह 5 बजे ही पहुंच जाते। तो गाइस गाड़ी फिर से खराब हो गई है। गाइस ऐसा ना कभी भी नहीं हुआ, आज ही पता नहीं ऐसा क्यों होने लग रहा है। 2 के आसपास टाइम हो रखा है, मैं यही सोच रहा हूँ कि जाएंगे कब और वापस कब आएंगे। तो गाइस ये देखो मैं कौन मिला, तो ये ना ड्यूक की तरफ भौंक रहा है। ड्यूक तो गाइस ये देखो गाड़ी ना सुबह से ठीक होने लग रही है, तो इसलिए सामान बिखरा हुआ है पूरा, और गाइस बार बार उतरना बैठना पड़ रहा है। सो गाइस गाड़ी तो ठीक हो गई है, बस अभी कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज्यादा दुखी हो लिया भाई। अगर आप कोई प्रॉब्लम हुई ना गाड़ी छोड़ के चल पड़ेंगे। सुबह के 5 बजे ऋषिकेश पहुंचने का प्लान था हमारा, अभी ना 2:11 हो रखे, 9 घंटे लेट हो गए। गाइस हम ना हरिद्वार पहुंच चुके हैं, मस्त लग रहा है ना देखियो। गाइस यहाँ पे ना पैरा सेलिंग भी हो रही है, करने का ना बहुत ज्यादा मन है, पैर देखो पैर की क्या हालत हो रखी है। तो भाई फाइनली ऋषिकेश तो पहुंच चुके हैं, मस्त कड़ी चावल खा रहे हैं अभी हम। खाना खाने के बाद ना चलते हैं सीधा रिवर की साइड, ये बियर आया था और लिया है। ऋषिकेश पहुंचे हैं यहाँ पे भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, आगे तक गए थे हम, आगे सारी भीड़ थी भाई, मतलब गाड़ी भी नहीं जा रही थी, आगे मना कर रहे थे सब, कह रहे थे राफ्टिंग करनी है तो कर लो, गाड़ी नहीं घुसेगी वहाँ पे, इसलिए गाइस हम इस रिजोर्ट में आए हैं। और गाइस राफ्टिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं कर रहा, पैर में चोट लगी हुई है, नहीं तो गाइस आज मैं रिवर राफ्टिंग पैरा सेलिंग जरूर करके जाता। तो गाइस आज ड्यूक भी घूमेगा, गंगा के पानी में नहलाएंगे इसको, पट्टा छूट जाएगा आराम से। ड्यूक डर लग रहा है इससे। तो गाइस मेरा ना मन था कि जब भी मैं पिटबुल लेके आऊंगा ना अपना नया, उसको ना गंगा के पानी से नहलाऊंगा, आज फाइनली गाइस ड्यूक को ना गंगा किनारे ले आए हैं ऋषिकेश में, आज ड्यूक को गंगा के पानी से नहलाएंगे। वो इसका पट्टा निकल जाएगा, ऐसे मत पकड़, आराम से आराम से। सो गाइस ये देखो भाई ड्यूक ना पानी से बहुत ज्यादा डरता है, और आज देखते हैं भाई गंगा किनारे कैसे हरकतें करेगा ये। चल ड्यूक। ओ भाई तो गाइस ड्यूक नहाएगा फाइनली गंगा में। वो पानी में गिर, ओए चला गया पानी में, ज्यादा गहरे में मत लेके जाइए इसको, तू भी नहाएगा। तो गाइस ये देखो बहुत ठंडा है। ओ भाई अभी अजय भी जा रहा है नहाने, कपड़ों में ही चला जाएगा। तो गाइस मेरे को ना चलने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर चला नहीं जा रहा, वहीं रख इसको, दूर मत लेके जा ड्यूक को। तो गाइस ये सब देख के ना भाई मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, पर जा नहीं सकते भाई चोट की वजह से। तो गाइस मैं तो मस्त यहाँ पे बैठ गया हूँ, ये देखो पत्थर पे, और गाइस यहीं से सबको देखूंगा, ज्यादा दूर मत लेके जाइए इसको। तो गाइस ड्यूक ना पानी से बहुत ज्यादा डरता है, और भाई यहाँ पे ना बिल्कुल भी नहीं डर रहा, पानी के डर से भाग जाता है ड्यूक, और यहाँ पे ना भाई मजा आ रहा है इसको देख लो, ये देखो। ओए ड्यूक, ओ भाई। तो गाइस अपना ड्यूक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यार मेरा भी मन कर रहा है आने का। तो गाइस अजय को देखो कैसे फोटो खींच रहा है। हाँ ड्यूक ना लिया, ये देखो किसी ने क्या बना रखा एक बारी में। तो गाइस ड्यूक तो ना लिया है, और भाई सामने देखो बाबा जी बैठे और भाई तपस्या कर रहे हैं, जब से मैं आया हूँ ना तब से तपस्या करने लग रहे हैं ये। तो गाइस सभी डर रहे हैं भाई इसके पास आने से, और ये देखो भाई बिल्कुल एग्रेसिव हो जाता है किसी के पास आते ही। ड्यूक ऐसे मत देख भाई उनको। तो गाइस यहाँ पे बैठने में ना भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठने में, पानी की आवाज भी बहुत ज्यादा मस्त लग रही है, और ड्यूक और मैं से नदी किनारे बैठे हैं।
तो गाइस ये देखो ड्यूक को ना बहुत सारे कुत्ते दिख गए और ये अग्रेसिव होएगा। नहीं ड्यूक कुछ नहीं करना, नहीं आजा इधर आजा, गुस्सा नहीं करते। तो गाइस उनको तो आधा घंटा हो गया, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हो गया, क्या देख लिया? रुक जा, उनको देख देख ना भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी अंदर जाऊं, पर भाई ये जो चोट है ना इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा कहीं भी। तो गाइस आज ना मैं पैरा सेलिंग करता, पैरा ग्लाइडिंग करता, रिवर राफ्टिंग करता, कैसे आऊं भाई? भाई डॉक्टर ने ना मेरे को 20 दिन का रेस्ट बताया था, मैं रेस्ट ले नहीं रहा ढंग से। तो गाइस ये तो थक चुके हैं और वापस आ रहे हैं, कम से कम एक घंटा हो गया। तो गाइस ये देखो ड्यूक कैसे देख रहा है उनको। हाँ ड्यूक गाइस ये पता नहीं हमेशा गुस्से में ही रहता है, फाइट फाइट नजर आती है हर जगह। ये देखो गाइस इसके पुराने निशान फाइट के। ओ गाइस ये देखो, देखो ड्यूक बचाने जा रहे हैं उनको। बस ड्यूक, ड्यूक कुछ नहीं हो रहा भाई, उसको आ जाएगा वो। गाइस तुम देख रहे हो मेरे को और मेरे आसपास के बंदों को, मतलब कैसे बचा के रखता है ये। हाँ ड्यूक सेफ है वो भाई, इसको अब जाके तसल्ली मिली है। फोन गिर गया, ये तेरी जेब में दिख रहा है, देख देख झूठ बोल रहा है। अरे वीडियो के चक्कर में झूठ बोलेगा। बस 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 ड्यूक, बस 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 चले घर पे, हरिद्वार में। तो यार यहाँ पे भी तो ना आया तू। ओ भाई पर भूख रहा तू। पकड़ ले एक बस को, क्या तो दे मेरे को भाई। तो गाइस अभी जा रहे हैं सीधा गाड़ी की तरफ। खोल, अरे इस पे ड्यूक अंदर चला। तो गाइस ड्यूक तो अंदर चढ़ चुका है। तो गाइस ये देखो भाई पेड़ पौधों में आग लगा रखी है किसी ने। गाइस ये वाला रोड ना भाई पीछे से बहुत ज्यादा मस्त था, यहाँ पे आ गया ना थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा हो गया। बोले ये जा रहे, नहीं हिरण है उधर भाई, कुछ दिखा यहाँ पे हिरण थे। सो गाइस हम ना इस रोड से जा रहे थे और ये ना डियर रिजर्व है, मतलब यहाँ पे ना भाई हिरण वगैरह दिख जाते हैं। ओए ड्यूक को अंदर, ये पीछे भाग जाएगा उनके। सो गाइस ये देखो सब यहाँ पे हिरण देखने के लिए रुके हुए हैं, डोर खुद बिल्कुल सामने था। सो गाइस ये देखो हमें हिरण दिखाई दिया वो रहा। सो गाइस ये रास्ता ना भाई जंगल के बीच में से है, हिरण चीता शेर कुछ भी दिख सकता है हमें। हिरण पीछे और है, आराम से ले आराम से। तो गाइस ये देखो कितने सारे हिरण पास से ही देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस अभी हम खाना खाने रुके हैं और गाइस सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे थोड़े जानकार है, ड्यूक को उन्हें पकड़ा दिया। अभी चलते हैं गाइस फूड कोर्ट में खाना खाने। सो गाइस खाना तो हमारा आ चुका है, खाने में है कढ़ाई पनीर, रायता और बटर नान और सलाद है। और गाइस ड्यूक भी बाहर खाना खा रहा है। सो गाइस अभी हम सब खा रहे हैं खाना और खाना खाने के बाद सीधा घर पे चलते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं बस से आराम से। ओए आराम से। ओ भाई तो गाइस ये देखो गाड़ी कैसे चला रहा है। ओ ड्यूक, ड्यूक ड्यूक तूने खाना खा लिया? हां खा लिया। अच्छा अंदर आजा आजा, मेरे को बात छोड़ दिया ड्यूक। हां ड्यूक बस बस चाट मत भाई। ओ तो गाइस ये देखो दूर से ना अजीब से लग रहे थे, हालत खराब हो गई थी भाई, ये कहां आ गया। तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 1:22, हम ना भाई घर पहुंच चुके हैं। ड्यूक बाय। तो गाइस पापा तो गाइस चिट्टू ड्यूक अजय को छोड़ने तो सारा ले लिया हॉकी का। तो गाइस रिया तो सो चुकी है। चिनू है ये, और ये देखो गाइस चिनू कैसे सो रहा है। वो बाल कटवा लिया जिसने, चिनू बाल कटवा लिए, सो रहा है ये तो भाई। वो जोजो जोजो बदमाश हो रहा है, सोता नहीं है, बदमाश हो रहा है तू है। तो गाइस ये देखो जोजो क्या करता है, बर्फ वाली बोतल चाहिए इसको सोने के लिए और इससे ना लिपट के सो जाता है देखो। सो गाइस फिलहाल तो सभी सो चुके हैं, मैं भी अभी सोने जा रहा हूँ, पैर भी बहुत ज्यादा दुख रहा था, सुबह उठ के बात करते हैं आपसे। सो गाइस मैं तो उठ चुका हूँ, अभी मैं एडिटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। ये देखो लैपटॉप के ऊपर बैठा है, मैं इसको साइड में बिठा रहा हूँ ना गाइस, फिर भी ये बार बार आके लैपटॉप के ऊपर ही बैठ रहा है। सो गाइस चीनू भी आ चुका है स्कूल से। आ गया? हेलो भैया। हेलो अच्छी है। ये देखो कैसे बाल कटवा ली इसने, मैं कटवाता तेरी मस्त वाली। गाइस मैं ना ढंग से सोया भी नहीं था परसों क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, और गाइस मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि भाई मैं घूम के भी आया हूँ, मेरे को तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि मैं गाड़ी ठीक करवाने गया था। बस गाइस हम ना वहाँ पे नहा के आए। सो गाइस अभी मैं पी रहा हूँ लस्सी, मेरे को भाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लस्सी पीने के बाद मैं करूंगा सीधा एडिटिंग, और जैसे मेरा ऊपर गेमिंग सेटअप तैयार हो जाएगा ना तब मैं अपनी इंटरनेट की स्पीड करवा लूंगा 1 GBPS, मजा आ जाएगा ना। 1000 MBPS। गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।